तो बियर बनाने के लिए चार रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है बेसिकली. सो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है बार्ले. बार्ले यानी मॉल्ट. मॉल्ट जो है यूजली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज से हम इम्पोर्ट करते हैं, कुछ जर्मनी से, कुछ बेल्जियम से, कुछ अमेरिका से. तो मॉल्ट क्या है, सबसे बड़ा रॉ मटेरियल बियर में होता है. इट गिव्स यू कलर इन द बियर, इट गिव्स यू फ्लेवर्स इन द बियर, इट गिव्स यू बॉडी इन द बियर. सो दिस इज हाउ अ मॉल्ट लुक्स लाइक. दिस इज व्हीट. व्हीट लुक्स लाइक दिस. ये मिलिंग करने के बाद ये ऐसे दिखता है. उसके बाद जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं लाइक स्पाइसेस फॉर द बियर, जैसे मसाले हैं, वैसे ही हॉप्स होते हैं. हॉप्स बियर में बिटरनेस का काम भी करते हैं और अरोमा भी देते हैं. तो दो तरह के हॉप्स हैं, बिटरिंग हॉप्स और एरोमेटिक हॉप्स. बिटरिंग हॉप्स का काम होता है बियर को बिटरनेस देना, बैलेंस करना स्वीटनेस को, और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाना, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना. एरोमेटिक हॉप्स इसमें अरोमा देते हैं. सो बहुत सारी बियर्स में हमें जो अरोमा मिलती है वो हॉप्स की वजह से मिलती है. मेरा सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट है यीस्ट. यीस्ट आपके सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको बियर में यीस्ट की देनी पड़ती है. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये बियर में जाके बियर को फर्मेंट करता है, सारी शुगर्स को खाता है और अल्कोहल प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. यीस्ट ही आपकी बियर में फ्लेवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यीस्ट यूज़ होती है बियर्स को बनाने के लिए. सो एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस इज़ द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द बियर, और हमें इस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है. चौथा रॉ मटेरियल है वाटर. 90% ऑफ बियर इज़ वाटर. वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए आपने कभी भी देखा होगा बहुत सारी डिस्टिलरीज, जैसे टेनेसी रिवर के पास जैक डेनियल्स बनती है, बहुत सारी स्कॉटिश विस्कीज के पास उनका अपना रिवर सोर्स होता है, वैसे ही वाटर बियर में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सो ये चार रॉ मटेरियल्स जब कंबाइन होते हैं तो बियर्स बनती हैं. और जानेंगे और बात करेंगे बियर्स के बारे में. देखते रहिए कॉकटेल जॉकी.